गुड मॉर्निंग क्लास। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 9 के फिजिक्स चैप्टर में मोशन में आप लोगों ने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, व्हाट इज मोशन, तो पिछले वीडियो में आप लोग बताया गया था। इसके बाद हम आगे बढ़ाते हुए चैप्टर को हम आगे देखते हैं कि मोशंस के अंदर हम लोगों ने दो चीजें देखी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। सबसे पहले डिस्टेंस, डिस्टेंस के बारे में हमने जाना कि अगर हम किसी भी दो पॉइंट्स के बीच में ट्रेवल करते हैं तो वहां पे हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। तो इससे हमारा एक डेफिनेशन बनता है कि द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल्ड बाय ए ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू इट्स फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड द डिस्टेंस। मीन्स द एक्चुअल पाथ, जो वास्तविक रास्ते की लेंथ है, लंबाई है, जो ट्रेवल की गई है, चली गई है किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा उसकी जर्नी के अंतर्गत इनिशियल पोजीशन से लेकर फाइनल पोजीशन तक के बीच की। मीन्स जहां से हमने शुरुआत की अपने चलने की, अपने सफर की, और जहां हम पहुंच गए, जिस प्लेस पर हम पहुंचे हैं, उसके बीच की टोटल लेंथ हमारी डिस्टेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं कि हम पॉइंट ए से पॉइंट बी गए 10 किलोमीटर, देन पॉइंट बी से पॉइंट सी गए 10 किलोमीटर। द डिस्टेंस वी कवर्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी 10 किलोमीटर एंड द पॉइंट बी टू पॉइंट सी इज 10 किलोमीटर। देन द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ पर्सन या माय मी द दैट वन इज टोटल डिस्टेंस कवर्ड। टोटल डिस्टेंस, हाउ वी गेट द टोटल डिस्टेंस, वी एड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए सी। हियर ए बी प्लस बी सी, व्हाट वी गेट, द डिस्टेंस बिटवीन ए बी इज 10 किलोमीटर, डिस्टेंस बिटवीन बी सी इज 10 किलोमीटर, द टोटल डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। दिस वन इज द डिस्टेंस। एंड वन थिंग मोर, हियर वी गेट द टोटल डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर टू रीच एट द पॉइंट सी फ्रॉम द पॉइंट ए। पॉइंट ए से पॉइंट सी तक पहुंचने में टोटल हमने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर और 10 किलोमीटर, मीन्स टोटल डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर। बट इन दिस देयर इज नो पर्टिकुलर डायरेक्शन फ्रॉम ए टू सी। ए टू सी जाने में कोई एक पर्टिकुलर डायरेक्शन हमने नहीं लिया, ए से बी गए अदर डायरेक्शन में, बी से सी गए अदर डायरेक्शन में। मीन्स दिस वन इज अ स्केलर क्वांटिटी, मीन्स हियर ओनली वी से दैट द डिस्टेंस इज 20 किलोमीटर बट नॉट एनी डायरेक्शन। द सेकेंड वन इज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द फाइनल पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, जो सबसे कम दूरी ट्रेवल की गई है किसी एक इनिशियल पोजिशन से लेके फाइनल पोजिशन, मतलब जहां से हमने शुरू किया और जहां हमें पहुंचना है, इसके बीच का जो शॉर्टेस्ट सबसे छोटी से छोटी जो दूरी होती है, दैट वन इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट जैसे कि इसी एग्जाम्पल पर लेते हैं, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी गए, पॉइंट बी से पॉइंट सी गए, बट द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज ए सी। जो सबसे छोटी दूरी है वो हमारी ए सी होगी, और सपोज ए सी इज 14 किलोमीटर इन द ईस्ट डायरेक्शन, देन वी से दैट द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन ए सी मीन्स 14 किलोमीटर इन ईस्ट डायरेक्शन। इन विच डायरेक्शन, इन ईस्ट डायरेक्शन। Here we get the direction also, a particular direction, that one is the east, then the that one is this one is known as displacement. In the displacement the direction is also given, so it is a vector quantity. Okay, जैसा कि है आप लोग को समझ में आया होगा। Then next आप लोग जो है इस दो terms को राइट डाउन करेंगे, उसके बाद जो है आप इस बेस पे एक्सरसाइज लगाएंगे, जो एक्सरसाइज आप लोग को स्क्रीनशॉट करके दी जाएगी, अदरवाइज आप ई बुक के द्वारा, ई बुक के माध्यम से भी क्वेश्चन सॉर्ट आउट करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, राइट डाउन एंड लर्न दिस एंड सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ द एक्सरसाइज।